नमस्कार सभी को। आज के इस संभाषा के सत्र में चलिए आज बात करते हैं कुछ एक नए सब्जेक्ट पर। आज का हमारा विषय है, जैसे कि आप ही ने सजेस्ट किया था, कि महामारी के समय में क्या यूज करना चाहिए। और आई थिंक ये एक बड़ा बेहद ही खूबसूरत सा विषय आप सभी ने सजेस्ट किया है, और इसी को लेकर आज के इस चर्चा सत्र में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या यूज करना चाहिए। जैसे हम सभी जानते हैं कि महिलाओं में महामारी के लिए या महामारी के समय में अलग अलग तरीके के चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे चीजों का इन द सेंस कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसमें किस प्रकार से एक प्रोटेक्शन के लिए या इस मेंस्ट्रुअल फ्लो को कैसे हम सोख सके, इसके लिए पुरातन और प्राचीन तरीका जो है, आप सभी जानती है कि प्राचीन तरीके में और जहां पर कुछ ज्यादा स्टडीज नहीं हुई थी, कुछ विज्ञान आगे नहीं गया था, तब महिलाएं ज्यादातर यहाँ पर कपड़ा का इस्तेमाल करती थी, यानी पैड या नैपकिन तब अवेलेबल नहीं थे, और इसीलिए वहां उस समय में कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था। बट जैसे जैसे दिन आगे बढ़े और जैसे जैसे डेवलपमेंट आई और उस प्रकार से फिर आज तो मार्केट में काफी सारे व्यवस्थाएं हैं, काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो चलिए आज इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप भी अपने अनुभव शेयर करें, क्योंकि ये संभाषण हम सभी प्रकार से यहाँ पर डिस्कशन होता है, जिसे आप सभी भी बोलेंगे इसमें। चलिए सबसे पहले तो मेंस्ट्रुअल कप की बात करते हैं। मेंस्ट्रुअल कप क्या है? एक्चुअली ये मेंस्ट्रुअल कप्स आर शेप छोटे से लाइक बाउल के जैसे उनका शेप होता है, और ये बनते हैं रबर या सिलिकॉन से और एक सॉफ्ट प्लास्टिक से इसको बनाया जाता है। ये आपको सिंपली वजाइना के अंदर डालना है एंड इट विल कलेक्ट मेंस्ट्रुअल ब्लड, यानी जो भी बहाव है इसको ये अपने साथ ये करता है। मेंस्ट्रुअल कप्स ये रीयूजेबल भी है, कुछ दो प्रकार की वैरायटी इसमें आती है, आजकल बहुत पॉपुलर होते चले हैं और ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा इसको यूज किया जा रहा है। बट तो मुझे लगता है कि हर एक इसका एक तरीका होता है, और एक ये भी होनी चाहिए इसके बारे में प्रोज एंड कॉन्स भी हमें पता होने चाहिए। एक्चुअली मेंस्ट्रुअल कप्स ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है एंड ये एक प्रकार से प्लास्टिक से भी बनते हैं, नॉन रिसाइकल भी है एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है। ये अलग अलग, देखिए अभी क्या यूज करना है ये तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। सेफ है वैसे, सभी सेफ है भी और नहीं भी है, और इसी प्रकार से इसको हमें प्रोज एंड कॉन्स के रूप में देखना पड़ेगा। अराउंड द वर्ल्ड देर आर 1.9 बिलियन वुमन्स आर मेंस्ट्रुएटिंग एज में,
और अगर महिला अपने जीवन का सबसे लंबा समय जो होता है ना, वो मेंस्ट्रुएशन में चला जाता है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द एज अराउंड 11, और आप अगर 50-55 की उम्र मान लेते हैं, तो करीब करीब जिंदगी का 45 ईयर्स, यानी अपने लाइफ टाइम की 45 ईयर्स तक वो इस पार्ट कब और जो भी है उसके साथ उसको चलना पड़ता है। और निश्चित रूप से इसका परिणाम उसके हाइजीन पर होता ही है। आज तो इसके लिए बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, और शायद इसीलिए अलग अलग पिक्चर्स लाइक पैडमैन है, और काफी इसके ऊपर भी व्यवस्थाएं चल रही, डिस्कशन चल रहा है, और बाकी बहुत ही ज्यादा मतलब में एक प्रकार से समाज में भी एक परिवर्तन पे मोड़ पे है इसको लेकर। और इसी को लेकर मुझे लगता है कि बहुत ही एक बड़ा अच्छा टॉपिक डॉक्टर मंदाकिनी जी ने सजेस्ट किया था। तो बिल्कुल, ये मेंस्ट्रुअल कप जो है ये डिस्पोजेबल भी होते हैं, और आप इसको यूज करके फेंक भी दे सकते हैं। आपको क्या करना है ना, कभी कभी अगर ये रीयूजेबल नहीं है तो आपको फेंकना है, अगर यूज करना है तो इसको एम्प्टी करेंगे, वॉश करेंगे, और फिर अगेन आप इसको यूज कर सकते हैं। सो मेंस्ट्रुअल कप का कैसे इस्तेमाल करना है ये भी यहाँ पर मैं बताऊंगी। जैसे कि देखिए, आजकल डिफरेंट टाइप के कर्व्स आते हैं, और इसको स्टेप बाय स्टेप, शुरुआत के पहले दिन या पहली टाइम जब यूज करते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। आपने जो भी कप लिया है इसको स्क्वीज करिए, फोल्ड करिए, और एक नैरोनेस आ जाएगा इसमें, और देन पुट इट इन टू योर वजाइना विथ योर फिंगर्स एंड यूज द डायरेक्शन दैट केम विथ योर कप टू फिगर आउट द बेस्ट वे, यानी वहां पर लिखा होगा, तो इसी प्रकार से इसको आपको पकड़ना है, और इसको आपको स्क्रीज करने करके थोड़ा सा आपको ये डालना है, ठीक है। इसी के बाद लाइक आगे पुटिंग कप इन टू योर वजाना इज मोर कंफर्टेबल, अगर आप रिलैक्स है, अगर आप डरी हुई है, आपके मन में शंका है कि भाई कैसे होगा, या कप बैठेगा या नीचे जाएगा, ऐसा तो नहीं। ये जो भी कप या टेम्पोन्स यूज किए जाते हैं, ये इसी प्रकार शेप और सभी ध्यान में रखते हुए, एनाटोमी ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। और लाइक कभी कभी कुछ कप्स इसमें जो होते हैं ना, ये थोड़ा हाई लेवल पर जाकर अंदर डालना पड़ता है, लाइक सर्विस के पास, एंड बिल्कुल इस प्रकार से थोड़े से ये अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, एंड बिल्कुल। तो आपको यहाँ पे जब आप चॉइस करेंगे, चूज करेंगे, तो आपको देखकर ही करना है। मोस्ट कप्स आर रीयूजेबल एंड एम्प्टी कर सकते हैं आप इसको, टॉयलेट में करिए, सिंक में करिए, या शावर के नीचे करिए, एंड धोकर अच्छे से फिर आप इसको रीयूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी जगह है तो इसको एम्प्टी करिएगा, और फिर आप उसको फिर से ये कर सकते हैं। लाइक आजकल इतनी अगर किसी के घर में व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट बाथरूम्स नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। कुछ कप्स डिस्पोजेबल भी होते हैं, मतलब एक बार ही यूज करना होता है। तो इसको कैसे रैप करना है, आपको इसको कैसे करेंगे, इसको रैप करिएगा पेपर में, रैप करके आप इसको टॉयलेट पेपर में या पेपर में रैप करके आप डस्टबिन में इसको डाल सकते हैं, जैसे कि हम लोग कार्ड्स का यूज करते हैं, इसी प्रकार से इसको भी यूज करना है। इसको फ्लश मत करिएगा, आप इसको रैप करके ही डाल दीजिएगा, है ना। तो देखिए, ये यहाँ पर मैंने कप को कैसे इंसर्ट करना है इसको लेकर भी यहाँ फिगर में दिया है, ये कप कैसे होता है। ये कप इस प्रकार से आपको फोल्ड करना है, पहला स्टेप है, फोल्ड करिए इसको, और जेंटली आप अंदर डालिए, और इस प्रकार से ये बैठ जाता है, आराम से बैठता है, और आप इसको आराम से, अभी देखिए पहले क्या करना है इसके लिए, तो आपको देखिए हाइजीन तो इम्पोर्टेंट है, हाथ धो लीजिएगा एकदम अच्छे से, साफ करिए अपने हाथों को, एंड रिलैक्स करिएगा, फोल्ड करिएगा, किसी की आवाज आ रही तो माइक बंद करिए, ठीक है। आपको इसको फोल्ड करना है, फोल्ड कर लिया आपने, और आराम से जेंटली इंसर्ट करिएगा वजाइनल कैनाल में। देन अगर आपको निकालना है तो उसकी जो रीम होती है उस पर, आप अगर इसको खरीदते हैं ना तो उस पर पूरा आपको ये मिलेगा, डिस्क्रिप्शन मिलेगा, और इस डिस्क्रिप्शन के साथ ही आप इसको यूज कर सकते हैं। पुश द रीम टू रिलीज द सक्शन एंड पुल आउट, एंड एम्प्टी करिएगा इसको, एम्प्टी एवरीथिंग आउट एंड स्टार्ट अगेन। तो आप इसको पुल करके एम्प्टी कर सकती है, और फिर अगेन इसको रीयूज भी कर सकती, जो भी आपने खरीदा है, जिस प्रकार का भी आपने खरीदा है, तो उसी प्रकार से इसका ये होगा। अभी मेंस्ट्रुअल कप की बात में जैसे कर रही थी, तो बिल्कुल ये अलग अलग इसमें व्यवस्थाएं है भी, और ये खास करके बनते हैं
सिलिकॉन के धातु के बनते हैं। तो अभी एक्चुअली कुछ इसमें चर्चा भी होती है, तो ऐसे होता है कि इसके कुछ कॉन्स भी है, कुछ प्रोस भी है। वैसे तो ये सेफ है, बट कई बार इसके साथ भी इन्फेक्शन होने की समस्या होती है। और ये सिलिकॉन से बना है, तो कई बार ये एक प्रकार से कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए वो थोड़ी सी बातों को समझ कर ही हमें विचार करना होगा कि क्या हमें यूज करना है। तो ये मेंस्ट्रुअल कप के बारे में मैंने बताया है कि किस प्रकार से इसको हमें ये करना है। आगे चलते हैं, सैनिटरी पैड्स। आई थिंक सैनिटरी पैड्स बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किए जाते हैं आज। एक्सेल और एल स्मॉल अलग अलग कंपनी के आते हैं, और आजकल ये एक प्रकार के सिंथेटिक या ऑर्गेनिक टाइप के भी बन रहे हैं। तो आई सजेस्ट कि सबसे बेहतर तो ऑर्गेनिक वाले, या जो एक कॉटन के बने हैं, जो बहुत ही कंफर्टेबल भी होते हैं और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े अच्छे होते हैं। रेगुलरली सैनिटरी पैड्स को एक स्टिकर होता है, और स्टिकर को निकाल कर इसको अंडर गार्मेंट्स में स्टिक किया जाता है, और ये काफी अच्छे से इस्तेमाल भी किया जाता है। कभी कभी ये निकल जा, बस थोड़ा सा इसके साथ समस्या ये होती है कि इसका स्टिकिंग अगर खराब हो जाए तो ये फिसल जाता है और ब्लड लीक होने के चांसेस भी होते हैं। बट एक्चुअली ये थोड़ा अगर देखेंगे कंफर्टेबल भी है, और वैरायटी है, और लोकल मार्केट में कहीं पर गांव में भी आजकल तो मिलने लगे, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इसके साथ। बस अभी जैसे कि कई बार ऐसे होता है कि आपका फ्लो कितना ज्यादा है, इसके ऊपर भी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आपको जो भी जिस प्रकार का भी फ्लो है उसके साथ आप इसको करेक्टली चॉइस करें। बट ऐसा नहीं है, आई थिंक कि सभी का एक टाइम लिमिट है। जैसे पैड भी आपने यूज कर रहे हैं, तो पैड को भी 4-5 to 6 hours में बदलना चाहिए। कुछ महिलाओं में अगर फ्लो कम होता है तो वो दिन भर भी उसको रखती है, या एटलीस्ट मैं सजेस्ट करूंगी दिन में 3 पैड तो जरूर बदले। ऐसा नहीं है कि आपको पैड मतलब पूरा फिल ही हो जाना चाहिए, या पैड पूरा खराब हो गए तो ही आप इसको रीयूज करें या बदल दें, ऐसा नहीं है। तो आपको 5 to 6 hours के बाद ही इसको चेंज करना है। कुछ महिलाओं में हेवी फ्लो होता है तो बड़ी दिक्कत आती है, तो वो डबल पैड ले लेते हैं। और फिर कभी कभी अगर ट्रेवलिंग है, काम पे जाना है, कुछ अलग उनका जॉब रहता है, तो उसके साथ भी काफी समस्या को देखा जाता है। तो कई महिलाओं को मैंने देखा है कि वो डबल पैड का इस्तेमाल करती है। तो इसीलिए शायद पैड को इसके लिए सप्लीमेंट के लिए मानिए, या पैड को हटाकर अलग अलग चीजें मार्केट में आई है जो थोड़ी सी और ज्यादा आसानी और ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से यूज की जा सकती है। और फिर ये भी मैंने देखा है कि रैप पैड को कई लोग क्या करते हैं ना, वॉश कर कर फिर उसको ये करते हैं, मतलब फिर उसको डाल देते हैं डस्टबिन में। बट ऐसा नहीं है, डिस्पोज कर देते, ऐसा नहीं है। और बट मुझे लगता है कि फ्लश करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही। बट ये भी देखा जाता है कि पैड को लेकर आजकल बड़ा ही सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसे देखा है ना, रास्ते पर जा रहे कहीं पर भी, तो अगर उसमें ब्लड होता है तो वो कुत्ता या कोई प्राणी होते तो उसको खाने के लिए वो लेकर आते हैं रास्ते पर, और इधर उधर ये प्लाड पड़े होते हैं, तो वो भी एक गंदी बात होती है, ये भी हाइजीनिक ही नहीं है। तो ये बड़ी समस्या है सोसाइटी में कि इतना आप डस्टबिन देखेंगे तो डस्टबिन में इतनी सारी पैड्स होती है, और इसको कैसे हम ये करें। मतलब ये एक एनवायरमेंटल और एक दृष्टिकोण से देखा जाए, हाइजीनिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो थोड़ा सा आई थिंक बहुत ही डिफिकल्ट सी बात होती है कि इसको डिस्पोज कैसे करें। और जो स्क्रैप आता है, जो कचरा वगैरह की समस्या होती है इसके साथ, इसकी बड़ी समस्या है, क्योंकि वो कचरे में ज्यादातर पैड्स ही होते हैं, और वो मतलब बड़ा अनहाइजीनिक सा भी बन जाता है। पैड्स को रीयूज बिल्कुल भी नहीं करना है, और आपको पैड्स को टॉयलेट में भी नहीं डालना है, बिकॉज नहीं तो टॉयलेट भी ब्लॉक होता है, तो उसको प्रॉपर डस्टबिन में ही डालना कंफर्टेबल होता है और जरूरी होता है। तो आई थिंक आज के जमाने में पैड्स ही ज्यादा यूज किए जाते हैं, एक सर्वे अगर मानेंगे, या अगर आप भी इसके ऊपर अपने विचार प्रकट करिए। नेक्स्ट है टेम्पॉन्स। टेम्पॉन्स केम इन डिफरेंट साइजेस, लाइक लाइट, रेगुलर एंड सुपर। इट्स बेस्ट टू यूज द लोएस्ट और हाइएस्ट लाइटेस्ट एब्सॉर्बेंसी दैट लास्ट यू अ फ्यू आवर। सम टेम्पॉन्स कम विद द एप्लीकेटर, स्मॉल स्टिक मेड ऑफ कार्डबोर्ड होती है उसके साथ, और प्लास्टिक की होती है, एंड सो यू कैन इजिली पुट द टेम्पॉन इन टू योर वजाइना। एंड सम टेम्पॉन्स डोंट हैव एन एप्लीकेटर,
तो आपको ही अपने अंगुली से ही इसको रखना होता है। तो इसके लिए भी आपको अपने सावधान तरीके से या हैंड्स को धो लीजिए, वॉश करिएगा, एंड यू कैन स्क्वैट, पुट ऑन वन लेग अप और सिट ऑन द टॉयलेट सीट पर बैठकर आप आराम से इसको कंफर्टेबली पुश करिएगा टैम्पॉन्स को, आपके एप्लीकेटर के साथ या फिंगर के साथ। व्हाट काइंड ऑफ टैम्पॉन इज दैट, तो ये डिपेंड करता है आपने किस प्रकार का खरीदा है। टेम्पॉन्स को भी आपको बदलना है, ऐसा नहीं कि आपने टेम्पॉन्स डाल दिया तो आप बस दिन भर नहीं चेंज करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो बेस्ट टू चेंज योर टेम्पॉन एवरी 4 to 8 hours। टेम्पॉन को 8 घंटे से ज्यादा मत रखना है, और ओवरनाइट तो यूज कर सकते हैं, एंड लाइक बिफोर बेड अगर करते तो ये आराम से मतलब रात पूरी अच्छे से इसमें ये सोक लेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेम्पॉन्स में एक स्ट्रिंग होती है एक एंड पर, और जो हैंग आउट होती है वजाइना से, एंड सो आपको जेंटली इसको पुल करेंगे स्ट्रिंग को, तो इजीली टेम्पॉन्स बाहर आ जाते हैं। एंड इस प्रकार से टेम्पॉन्स को रैप करके टॉयलेट पेपर पर या सिंपल पेपर से ये आपको फ्लश कर, ये करना है, थ्रो करना है, ट्रैश करना है। आजकल मशीन्स भी आती है, जैसे पैड्स की भी मशीन्स आती है, बट आई डोंट नो कि कितने लोग इसको सच में यूज करते हैं। कभी कभी अगर आपने टैम्पॉन यूज किया है और आपको वोमिटिंग हो रही है, फीवर आ रहा है, डायरिया है और पेन हो रहा है या कुछ अलग सा लग रहा है, टैम्पॉन के साथ भी इन्फेक्शन होने की समस्या होती है। अगर ऐसे आपको कुछ यहाँ पर समस्या दिखी तो आई थिंक आपको टैम्पॉन्स का यूज करना वहां पर रुकना चाहिए, रुकाना चाहिए, और फिर अगले ऑप्शन को आपको चॉइस करना चाहिए। देखिए ये मैंने यहाँ पर हाउ टू यूज टैम्पॉन्स इसको लेकर इस इमेज में बताया कि कैसे टैम्पॉन्स को यूज कर सकते हैं राइट वे, बट एक दो बार आप यूज करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये बहुत अच्छे से यू कैन इजीली पुट इट इन टू द प्रॉपर लोकेशन पे आप इसको डाल सकते हैं, सिक्योरली आप इसको प्लेस कर सकते हैं। एक नया तरीका या नया भी एक अलग ऑब्जेक्ट भी आया है, यानी पीरियड पैड या पीरियड अंडरवियर। पीरियड अंडरवियर इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, ये भी वैसा ऑप्शन ठीक ही है, और इसको आप रीयूज भी कर सकते हैं एंड कंफर्टेबल है, आपको बहुत ज्यादा कुछ हेवी फीलिंग भी नहीं आएगी, जैसे कि पैड के साथ थोड़ी हेवी फीलिंग आती है कि, और पैड के साथ क्या होता है ना कई बार की पैड छूट ना जाए, पैड कहीं ठीक है क्या नहीं, या पैड के साथ कई बार फिर कपड़े पर डाग भी समस्या भी होती है, और अगर हेवी ये है फ्लो होता है तो बहुत ही मतलब ये होता है कि टेंशन सा रहता है ना कि भाई क्या हो जाएगा, कि मैं दिन भर इसके साथ कैरी कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। सो बिल्कुल इस प्रकार से ये भी कंफर्टेबल है, और ये भी कॉटन और अच्छा मटेरियल की अगर आप लेते हैं तो इसके भी ज्यादा कुछ नुकसान तो नहीं है, मतलब पीरियड पैंटी इज ओके टू यूज बिकॉज ये वैसे तो पैड के जैसे ही है, बस वही टाइप का तरीका है, इसमें भी सोख लेती है ये, और इसी प्रकार से जैसे हम पैड को स्टिक करके रख देते हैं ना, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी इसको ऑलरेडी ये है अंदर पैड ही है, पैड ही डाला हुआ ये अंडर गारमेंट है और बस पैंटी है, इसको ऐसे ही बस आप यूज कर सकते हैं। तो ये आई थिंक ये भी एक बेटर ऑप्शन हो जाता है, ये आराम से मिल, थोड़ी कॉस्टली है तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी आप देखिए क्या, टैम्पॉन्स तो थोड़े कॉस्टली आते हैं एंड पैड्स तो ओके है, पैंटीज भी कॉस्टली आएगी आपको, कप आपको ठीक ठीक आएगा, तो बिल्कुल ये एक सर्वे या एक ये दिया दिखाया मैंने इस इमेज की साथ कि कैसे आप इसके साथ चल सकते हो। पैड्स तो बिल्कुल ये रियूजेबल नहीं है, टैम्पॉन्स आप ये कर सकते हो, कप को आप वॉश करके, यानी अगर आपने जो टाइप का भी खरीदा है इसके साथ आपको ये करना है, तो ये मैंने यहाँ पर सैनिट, देखिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, पैड ठीक है, सैनिटरी पैड तो रेगुलर यूज होते हैं वो उसके साथ ज्यादा समस्या नहीं, बट रैश की समस्या कभी कभी हो सकती है। टैम्पॉन्स थोड़े से और इतने मार्केट में ज्यादा प्रचलित नहीं है, कप भी नहीं है, और जो नेक्स्ट ऑप्शन है पीरियड पैंटी का, ये कंफर्टेबल है और बहुत ज्यादा मात्रा में इसका भी प्रयोग चल रहा है। सो अभी मैं आप सभी को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ कि आप भी अपने विचार रखिए
आई थिंक सभी के प्रोज एंड कॉन्स है और सभी के साथ भी समस्या होती है। और आजकल पैड्स को लेकर भी काफी, पैड्स का ना ज्यादा इसका इशू सोसाइटी और बाकी जो है ना उसको कैसे डिस्पोज कैसे करें उसका इशू ज्यादा है, क्योंकि ये जो यूज किया जाता है ना मटेरियल, इसके साथ बहुत ही खराब जो एक गैस बनता है जिसके साथ हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए आजकल पीरियड को भी हटाया जा रहा है, पीरियड को भी पसंद नहीं किया जा रहा है, तो इसीलिए बाकी सारे मार्केट में ऑप्शंस आए हैं। तो आप सभी लोग बताइए, डॉक्टर मंदाकिनी जी, ज्योति जी, शुभ्रा जी, अनामिका जी, डॉक्टर विनीता जी, जो भी सारे डॉक्टर्स है, संपदा जी, श्रद्धा, सुचेता जी, अर्षिया जी, बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या यूज करना चाहिए। मेरे विचार से सभी के कुछ ना कुछ फायदे तो या नुकसान है। बट टेम्पॉन्स, हाँ बोलिए मैम, बोलिए। हाँ नमस्ते मैडम। मुझे लगता है कि कप ही ज्यादा अच्छा है ना। अच्छा उसमें मतलब बाकी उसका दूसरा साइड इफेक्ट कुछ नहीं है कप का, अगर हाँ यूज कर पाए तो। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस देना चाहिए इस चीज की। मैम, आप इसकी बात कर रहे हैं ना, कप की बात कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल कप की। बट कप ये सिलिकॉन का बना होता है ना, तो उसके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं क्या? अच्छा, हाँ, तो थोड़ा सा कप को लेकर मेरा ये विचार है कि ये जैसे ना ये होता है ना, इसमें सिलिकॉन धातु से बनता है ना, तो इसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। जो पेंटी जो है तो कॉस्ट अगर छोड़ दे तो पेंटी ज्यादा अच्छा है फिर। पैंटी पैंटी ज्यादा बेटर अच्छा है, ऑप्शन मतलब लग रहा है। पैंटी पैंटी अच्छा ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि क्या है ना, इसको हम लोग अच्छे से, आप इसको डेटॉल या बाकी इसके साथ वॉश करके, क्लीन करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मतलब ये लगता है कि, मुझे लगता है कि ये अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसके और कप इसमें में ऐसा कुछ है। मैम, हाँ बोलिए। कप में एक तरह से हम एक फॉरेन बॉडी अंदर डाल रहे हैं तो फिर उसका कुछ भी थोड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है, और बॉडी को कुछ मतलब ऐसे गलत सिग्नल या मैसेज मिल सकते हैं कि फॉरेन बॉडी जा रही है, तो कुछ रिएक्शन मैम वगैरह एक में भी हो मेरा सकता है। एक ना देखिए, इसमें ना एक सर्वे और स्टडीज भी चल रहे इसको लेकर, काफी पाश्चात्य देशों में कोई भी चीज जल्दी आ रहा, हम हमसे 10 साल पहले वो लोग यूज करना शुरू कर देते हैं, और वहां से ही ये चर्चाएं हो रही है कि मेंस्ट्रुअल कप के साथ बैक्टीरिया इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो सकता है, या इससे इन्फेक्शन अगर ज्यादा होता है और ये जाकर एक प्रकार से ना वजाइनल पीएच को भी डिस्टर्ब कर रहा है, इम्बैलेंस कर रहा है। सो इसीलिए थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल कप को लेकर आई थिंक कि सोसाइटी में भी इतना ज्यादा ये नहीं है ना, प्रचलन नहीं है। आप देखिए कोई ज्यादा यूज नहीं करते मेंस्ट्रुअल कप्स को, बट अभी एक और सिंड्रोम इसके साथ मैं बताना चाहूंगी, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करके भी आता है, बट इट इज रेयर, ऐसा नहीं है, मैं मतलब डरा नहीं रही हूँ, बट जो भी रिसर्चेस हमारे पास है ना, इसको इसी को लेकर मैं बात कर रही। तो ये एक स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करके, रेयरली होता है बट ये होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ हो सकता है अगर आपने टैम्पोन को ज्यादा समय तक रख दिया, तो ये होता है ऐसे टेम्पोन्स का, इसका ये बड़ा ही ये है। बट आप अगर प्रॉपर क्लीन कर रहे, प्रॉपर ये कर रहे, तो अच्छा ही है वैसे तो। बट आप कॉस्ट भी देखिए मैम, कॉस्ट भी देखिए कप की, टेम्पोन की। और आपको अगर हेवी पीरियड होते हैं तो आपको बार बार चेंज अगर करना पड़ता है, तो आप कॉस्ट इफेक्टिव भी चाहिए ना, क्योंकि हर कोई तो खरीद नहीं सकता। आप गांव के लोगों की बात सोचिएगा, उनके लिए भी हाइजीन हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है, तो उनके लिए हम लोग क्या ऑप्शन दे बताइए। बोलिए मैम, डॉक्टर श्रद्धा जी। उसके लिए तो वो मैम जो और कभी कभी आदमी ना, जो मतलब अभी ये बायोडिग्रेडेबल बोलना तो नहीं चाहिए, कभी कभी आता है ना, हाँ, हाँ वो इजीली अवेलेबल होता है, हाँ वो दे सकते हैं। और मैम एक ना, मैंने मतलब अभी ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए, बट कुछ कई बार थोड़ा ऐसे भी होता है ना, कुछ केसेस या कुछ लोग अगर सेक्सुअल प्रैक्टिस करते हैं इस दौरान, तो आप सोचिए टैम्पोन या ये अगर है
कप है और उसके साथ अगर ये कोई ऐसे कर रहे तो वो बिल्कुल थोड़ा आप सोचे ना कि मतलब अगर अंदर ज्यादा चला जाए तो उसके साथ नुकसान भी हो सकता है और कुछ गलत धारणाएं भी बन जाती है ना, लाइक ये कप है तो चलो मतलब ये नहीं प्रेगनेंसी के चांसेस है कम होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वैसे तो, इट्स नॉट कॉन्ट्रासेप्टिव, बट थोड़ा सा एक मुझे लगता है ऐसे ये भी विचार है इसमें। बोलिए बोलिए सभी लोग बोलिए। सभी लोग अपना ये करिए इसमें ना, हाँ आप प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह करते हो, और सच में आप ही बताइए मुझे कि सच में कितने कितनी महिलाएं 4 घंटे के बाद कोई भी मतलब जो भी यूज करे, पैड यूज करे जो भी, तो वो सच में बदलती है क्या 4 घंटे बाद? आई डोंट थिंक। कुछ महिलाओं को मैंने देखा है कि वो दिन दिन भर नहीं बदलती क्योंकि उनको लगता है कि भाई वो पैड पूरा फिल ही नहीं हुआ है या मतलब लो मेंस्ट्रुएशन है, ज्यादा हेवी ब्लीडिंग नहीं है तो क्यों मैं यूज करूँ या मैं क्यों चेंज करूँ, रह जाता है। बताइए बताइए, हम लोग चर्चा करना चाहते हैं यहाँ पर। यस मैम बोलिए सुचिता जी। मैम आप पैंटी रिलेटेड थोड़ा एक बार फिर से बता देंगे, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। पैंटी जो है ना मैम, ये पैंटी तो एक बेस्ट ऑप्शन है वैसे क्योंकि इसमें कोई खतरा भी नहीं होता है ज्यादा, डायरेक्ट रेडीमेड ही इसमें पैड होता है अंदर, मतलब आपको अलग से पैड की जरूरत नहीं है, तो पैड ही होता है ये, पैड विथ पैंटी ऐसे होता है, पीरियड पैंटी करके मार्केट में है, थोड़ी कॉस्टली है बट ठीक है, मतलब आजकल तो सारे ही गारमेंट्स कॉस्टली आते हैं तो इट्स ओके। तो ये आपको लाइक वॉश करके फिर से यूज करना है ऐसे, मतलब पैड के जैसे ही है बट ये पैड अंदर ना इसके अंदर ही चिपका हुआ है ऐसे समझिएगा, पैंटी विद पैड ऐसा ही है ये। तो मैम वो पैंट मतलब पैड को रिमूव करना रहता है या वो भी वॉशेबल होता ये भी वॉशेबल होता है, दो अच्छा। प्रकार के आते हैं, एक आप ना जो पैड होता है ये आप पैड के साथ आते हैं जो कि आप निकाल भी सकते हैं छोटा सा ऐसा आता है, या कुछ ऐसे भी आते हैं कि पैंटी जो आते हैं ना इसमें अंदर ये होता है एक लेयर होता है, इसमें आपको जो भी आप पैड यूज करेंगे आप सेफली उसको रख सकते हैं, ऐसे दो प्रकार के आते हैं मेरे विचार से। ओके और किसी का कुछ इसमें ये हो तो बताइए। सुचेता जी आप बोलिए मैम। माधुरी जी नमस्ते मैम। जी नमस्ते नमस्ते, बोलिए सुचेता जी बोलिए। मैम, मैं तो यहाँ पर क्या करती हूँ कि जो स्टार्टिंग के डेज है ना, जैसे चाहे वर्किंग वुमेन है या जैसे भी, थोड़ा सा उनको ये रहता है कि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए तो सैनिटरी पैड्स यूज करते हैं। उसके बाद मैंने ग्रुप में ना एक वो गॉज पीसेस की वो भेजी है, पिक भेजी है, जो अच्छा हॉस्पिटल में यूज करते हैं ना, गॉज पीसेस डिलीवरीज वगैरह में। आजकल तो सीधा पैर डालते हैं, पहले थोड़ा सा थोड़ी देर कुछ साल पहले उसको यूज करते थे बीच में कॉटन की लेयर डाल के। वो बहुत सॉफ्ट कपड़ा रहता है, कोई उससे फंगल इंफेक्शन नहीं होता, कुछ इंफेक्शन नहीं होता उसमें। मैं पेशेंट को बोल देती हूँ अपने हाथ के हिसाब से उसमें। 1 सेकेंड मैम, मैं जरा पेशेंट को 1 सेकेंड। हाँ हाँ ठीक है बोलिए, तब तक तो कोई और बोलना चाहे तो बोलिए। बिल्कुल मैम एक पैंटी ना, एक पैंटी में ना दो टेम्पोन मतलब इतना ब्लड सोक करने की क्षमता होती है, वॉशेबल भी है और एक्चुअली एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक ही है। देखिए ना आप इसको ना रीयूज कर रहे हैं, आप फेंक नहीं दे रहे, पैड्स तो फेंकना पड़ता है, टेम्पोन्स भी फेंकने पड़ते हैं, तो मतलब ये थोड़ा सा मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड कई बार क्या है जैसे मैंने ये बताया ना, टेम्पोन्स का कप्स का डालने की समस्या है, प्रॉपर बैठा नहीं बैठा है, बट अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो तो हो जाता है, बट आई थिंक पैंटीज आर मोस्ट कंफर्टेबल बिकॉज इसमें अलग से कुछ करना नहीं है, आप इजीली रूटीन के जैसे आप इसको पहन सकते हैं, कोई अलग आपको इसमें फीलिंग ही नहीं आएगी ना, रूटीन फीलिंग बिल्कुल आएगी, ये बड़ा इसमें मुझे लगता है कि अच्छा ये है।
फायदा अच्छा है. और लाइक कर्ब्स भी हो, व्हाटएवर टेम्पोर्स भी हो, तो एक भावना मन में रहती ना क्या हो जाएगा, कहीं स्टिक हो जाएगा क्या या अंदर चला, मतलब आई डोंट नो, बट आई थिंक कि कुछ मन में विचार या मन में कुछ शंका रहती होगी निश्चित रूप से. मैम ये टेम्पोन्स और वो जो मैम बता रही है अभी सुचेता मैम वो डिलीवरी के टाइम पे देते वो सेम है क्या? वो तो गॉज भी, यानी मुझे लगता है पैड ही है ना, गॉज पीस यानी पैड ही हो गए ना एक प्रकार से. हाँ, गॉज तो यानी टेम्पोन्स वही काय के बने होते हैं? टेम्पोज में मैम एक प्रकार का कॉटन ही आता है सेपरेट. जो मैम ये गॉज पीस है ना, ये बहुत सॉफ्ट कॉटन है, जैसे हम पट्टियां यूज करते हैं ना, बैंडेजेस यूज करते हैं ना, उससे भी थोड़ा सॉफ्ट रहता है ये. हाँ जी, हाँ जी यस मैम, वो यस उससे भी काफी सॉफ्ट रहता है और काफी कपड़ा होता है. उसको हम अपने साइज के हिसाब से काट के बीच में कॉटन की लेयर्स रख के, तो मैं ज्यादातर जो हाउसवाइफ्स हैं या थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे जैसे फ्लो काफी कम हो जाता है तो वहां उनको बोल देती हूँ, क्योंकि पैड्स के साथ भी क्या है कि उसके बाद पेशेंट आता है इचिंग के साथ या फंगल इन्फेक्शन के हाँ साथ, या मतलब 5-6 दिन उनको फिर लगाती रहती हैं बेचारी वो ट्यूब्स, तो वो सब जरूरत नहीं पड़ती उसमें उनको. बस मैं थोड़ा ये गाइड करती हूँ कि पहले बना के रख लो और उसके अंदर, क्योंकि 2-3 लेयर्स कॉटन की डल जाती हैं तो फिर वो लीक नहीं करता. मतलब उसमें जो हमारे सैनिटरी पैड्स के कपड़े में और उसके स्टफ में बहुत फर्क अच्छा, जैसे तो ये हमारी मैं पट्टी होती है ना आपको, मैम, आप पूरा स्मूथ. नहीं, आप ये गॉस पीस की बात कर रही. मैं गॉज की बात, मैम गॉज क्लॉथ जो होता है ना उसकी. ये हैवी फ्लो हाँ में भी फिर होता है गॉज ये करेगा डॉक्टर इतना. साहब, ऐसे है ना, मैं उसमें क्या करती हूँ, थोड़ा सा जो वर्किंग वुमेन है उनको तो थोड़ा सा अवॉइड कराती हूँ, लेकिन जो घर में उनको मैं बोल देती हूँ कि लेयर जो है कॉटन के बीच में वो आपकी चॉइस होती है ना बड़ी करने में, तो घंटे या 2 घंटे बाद उसको चेंज कर लो. अभी तो मैंने ये जो ये पैंटी वाला कंसेप्ट है ये तो अभी न्यू ही आया है, ये तो अभी मैंने नहीं यूज करना शुरू किया, लेकिन जैसे पहले या 2 दिन हैवी फ्लो में मैं बोल देती हूँ कि सैनिटरी पैड्स यूज कर लें, उसके बाद इसको यूज कर लें, या रात को दिक्कत आती है तो ये सॉफ्ट वो करवा देगी. मैम ये गॉज फिर बाद में तो फेंकना ही पड़ेगा ना इसको भी. मैम फेंकना तो पड़ेगा, फेंकना तो थोड़ी सी हाँ वो तो है मैम, वो तो मैम 2-3 घंटे के. लेकिन हाँ बिल्कुल टेम्पोस भी ये है कि जो कंफर्ट जोन, जो कंफर्ट में बहुत कंफर्टेबल पेशेंट फील करता है और वो इतना लाइटर फील करता है कि जैसे कोई उसमें, वो खुद बताते हैं पेशेंट्स. अच्छा. मतलब मैंने तो मैम वो और जिस फिर वक्त गॉज को हम आप डिलीवरी कैसे, मतलब पैंटीज में ही डाल करना होगा ना उसको लाल रैप. वाली दे दे वो मैम, जैसे जैसे वही है ना कि वो, क्योंकि वो बड़ा होता है ना साइज में, थोड़ा बड़ा हाँ होता है उसको उसके हिसाब से काट के, जैसे हम ये अपने सैनिटरी पैड्स यूज करते हैं उसी तरह से कॉटन की लेयर बना के 3-4, क्योंकि कॉटन में हाँ तो मैम अलग से पैकिंग आती है ना, वो वाली कॉटन ये तो हॉस्पिटल में जो बड़ा आजकल वही चलता है, पैकेट आता है. हॉस्पिटल में यही चल रहा है, यही यूज करते हैं. हाँ जी मैम, वही वही मैंने वहीं से कंसेप्ट लिया था. ये डिलीवरीज जब हम करते थे, मैं तो 95 में मेरी वो हुई थी इंटर्नशिप वगैरह, तो उसको फिर हाँ मैंने छोड़ा नहीं उस कंसेप्ट को, बिल्कुल कब से कंटिन्यू. बल्कि जो यंग गर्ल्स हैं जो स्टार्टिंग करती स्टार्टिंग में हैं, उनको जनरली इतनी जल्दी पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर भी नहीं होते, कभी आ रहे हैं 2 या 3 महीने के बाद, तो मैं स्टार्टिंग में उनको कभी कभी उसके लिए भी गाइड कर देती हूँ. बिल्कुल बिल्कुल कई लोग तो मैम सैनिटरी पैड्स को भी नहीं कर पाते, अभी भी जब मैं इंटरनल कभी किसी एनजीओ के साथ लेक्चर देने जाती हूँ तो वो तो कपड़ा यूज लगता करते हैं, वही कपड़े को है. हाँ धो मैं कपड़ा, मैंने तो बताया कपड़ा तो मैम गांव में भी कपड़ा चलता है. सच में धो बताऊँ गांव में भी आजकल ये लोग कपड़ा यूज गुठले हो गए. हाँ करते हैं. और तो ये हमको गौज है पानी ना, कपड़े से का तो भी ये है ना, फिर वैसे वो ज्यादा कपड़ा वही थोड़ा. धो धो के यूज कर रहे हैं, उससे अच्छा फिर मैं उनको ये गाइड कर देती हूँ वहां पे, और बहुत सस्ता रहता है मैम. 180 का ना वो इतना बड़ा पैकेट आ जाता है कि 6-7 महीने आराम से निकल जाते हैं बट उसमें. इसमें भी ना आजकल जो सिंथेटिक वाले या ऑर्गेनिक वाले पैड्स निकले ना मैम, वो ज्यादा, अगर हम इसकी बात करेंगे एनवायरमेंट और डिग्रेडेबिलिटी या उसको डिस्पोज की बात करेंगे ना, वो आप साइंटिफिक व्यू से, तो मुझे लगता है कि आजकल जो आ रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है ऑर्गेनिक वाले हाँ जी, हाँ पैड्स जी का. मैम, वो तो है. हाँ जी, हाँ जी, वो तो है ही. वो तो आपने जैसे डिस्कशन ये चल रही थी कि हम क्या क्या वो करते हैं, उस हिसाब से मैंने बोला कि हाँ नहीं नहीं ठीक है, वो तो मैं ठीक है.
हाँ जी हाँ जी, वो तो मैम उसके नेचुरली उसके वो एक अपर उस पे हैंड तो रहेगा ही, ऑर्गेनिक और कॉटन वाले जो आजकल है थोड़े, बट ये मैम ये बताओ मैं ऑर्गेनिक या कॉटन वाले महंगे है लेकिन क्योंकि अभी ये बनाए गए हैं तो लाइक कॉटन पैड मिलता है वो चलता है ना, सैनिटरी कॉटन पैड क्या? हाँ हाँ ये चलता है, वो चलता है एक्चुअली पैड ही, मुझे तो लगता है पैड ही ज्यादा बेटर ही करना पड़ता है ना वो कॉटन पैड। वॉशेबल ऐसा से वो कप और वो ही आता है, मैंने पढ़ा है वो मेंस्ट्रुअल कप। हाँ अनि ये टेम्पोर्स भी अर्शिया जी, टेम्पोर्स भी ना कॉटन से या रेयन से बनते हैं, बट एक्चुअली सभी जो भी मार्केट में लाते तो उसके पहले एफडीए या जो भी ऑथरिंग बॉडीज होती है ना उसको चेक करके ही लाती है, ऐसा नहीं है वो मतलब हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है, बट कभी कभी कुछ लोगों में ये हो सकता है, जैसे अभी मैंने इसकी बात की थी ना टेम्पोर्स के साथ की टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है वगैरह, तो डायरेक्शंस आप यूज अच्छे से प्रॉपर ये करेंगे ना, डायरेक्शन फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि सब कुछ सुटेबल है, बट आपको कॉस्ट इफेक्टिव, आपका कंफर्ट जोन, आपका माइंडसेट, ये सारी बातें इसमें होती ही है, तो वो आपको ये करा देगा। अगर आपको पेन या कुछ अगर लग रहा है तो बस आप उसको थोड़ा सा हटा दीजिएगा और दूसरा कुछ आप इसमें लाइएगा, ये तो बिल्कुल यही हो गया ना। कभी कभी आई थिंक कप थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, टेम्पॉन सर समहाउ इजी, कप का थोड़ा सा और ज्यादा ये लगता है मुझे। बट ना टेम्पॉन से कप्स मतलब वैसे सस्ते हैं, पैड से भी सस्ते हैं, अभी आप कैसे लेते हो वो भी डिपेंड करेगा क्योंकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन को पैड्स का बड़ा ही नुकसान है और टैम्पॉन से भी खतरा है, उस तुलना में पीरियड पैंटी और ये कप ये ऑप्शन थोड़ा ठीक है मेरे विचार से, पैड तो है ही बट पैड से नुकसान ज्यादा है, जो पोल्यूशन का बहुत ज्यादा है ना आजकल, पोल्यूशन को लेकर हमारे इसमें प्लास्टिक और ये सारी चीजें, अभी ये डिपेंड करता है हाउ यू कैरी वॉट एवर पैड, क्योंकि कुछ लोगों में पैड के साथ भी अनकंफर्टेबल होता है ना, पैड पहनकर कुछ उनको अच्छा नहीं लगता है ठीक से, अभी जो गांव की महिला है उनको लगता है कि कपड़ा ही ठीक है भाई पैड से अच्छा नहीं लगता है, तो वो आपका माइंडसेट डिपेंड करता है आई थिंक और आपकी आदतें। हेलो हाँ बोलिए मंदाकिनी मैम, ये मुझे पूछना था कि ना इसमें ये आजकल एनजीओ जो है ना काफी चला रहे हैं ना एक ऐसे करके कुछ की आप पैड नहीं यूज कर रहे हैं बिकॉज ये जो है कुछ कहीं से इनफर्टिलिटी एंड कार से जैसे कि कैंसर वगैरह के भी कॉजेस कर रहे हैं, सो मैं वही बात करना चाह रही थी कि इस आई थिंक मुझे लगता है कि नथिंग इज बेस्ट इंस्टेड ऑफ द कपड़ा, इसको हम रीयूज भी कर सकते हैं, धो भी सकते हैं और अच्छे से डिकम्पोज भी हो सकता है, और जहां तक कि ये पैड वगैरह हम लोग देखते हैं इसमें जैसे कि अभी आजकल नए नए रिसर्च आ रहे हैं फिर ये अलग अलग चीजों से बने भी हुए हैं और ये इससे कि ना जल्दी फिर वो इनको खराब मतलब वो भी नहीं हो रहा डिकम्पोज भी नहीं हो पा रहे हैं, तो और ये नए नए चीजों की वजह से क्या होता है कि एक लेडीज बाहर गई फिर उसके बाद उसने दिन भर एक पैड ही यूज किया, चाहे फिर वो कितनी भी कोशिश कर ले कितना भी मतलब अलर्टनेस ला ले लेकिन वो एक तो दिन भर लगा ही रह जाता है, तो हाँ और फिर वहां पे जो कटना है ना जो फिर कुछ लोग यूज कर लेते दिन दिन भर टाइट टाइट कपड़े पहन के फिर वो वहां पे कटना भी होता है इसकी वजह से ना इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, तो हाँ ये नहीं कहती मैं कि ये सब चीजें सही नहीं है, सही है लेकिन एक तरह से हमें इनके बारे में भी सोचना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से आजकल ऐसे ऐसे ये चल रहे हैं कि नहीं ये ऐसे यूज नहीं करना ये ऐसे नहीं करना और डंपिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो इन सब चीजों को देखते हुए मैम आप सबको क्या लगता है कि वाकई में ये सब एक एलर्जी के कॉजेज हैं या फिर वाकई में ये सारे जो हम लोग पैड्स यूज करते हैं ये इनफर्टिलिटी के भी कॉज बन जाते हैं या किसी ऐसे अननेसेसरी पीआईडी के या फिर कुछ जो आजकल की लड़कियां हैं अनहाइजीनिक तरीके से रह रही हैं, तो मतलब बहुत सारे ऐसे हम आज डेली आए हुए ओपीडीज में देखते हैं,
बिल्कुल तो ऐसा है वाकई में मुझे क्या? भी लगता है कपड़ा कुछ गलत नहीं होगा अगर कॉटन का यूज कर रहे हैं तो, उसको वॉश करके भी ये तो थ्रो कर दे, या उसको भी वो वॉश करके यूज कर सकते हैं हम अच्छी तरह से साफ करके, क्योंकि आजकल जो सैनिटरी पैड्स हो रहे हैं उससे कई रैशेस, कई इन्फेक्शन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, और वो किस मटेरियल के बने होते हैं पता नहीं, तो ये भी कुछ गलत नहीं होगा अगर कपड़ा भी यूज करते हैं तो। और बताइए सभी लोग, और एक्चुअली मैम क्या है लेकिन मैम ये क्या है ना कि कपड़ा गलत नहीं है, हम सब पहले कपड़ा ही यूज करते थे और हाँ उसको, जैसे कि बिल्कुल बहुत जगह मैंने देखा है, मेरी कुछ गुजराती फ्रेंड्स भी होती थी, वो उसको दोबारा यूज कर लेती थी धो करके, वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। और हमारे यहाँ जैसे कि यूपी में तो अक्सर मैंने देखा है कि वो लोग यूज करते हैं फेंक देते हैं, तो वो फेंकना भी गलत है, चाहे वो कपड़ा हो या वो सैनिटरी पैड हो, वो फेंकना भी गलत है। अगर आप उसको फेंक भी रहे हो तो प्रॉपर तरीके से वॉश करके देन उसको आप फेंको या फिर कहीं डंप करना है, कपड़ा इजिली जो है ना वो डंप हो जाता है कंपेयर टू ये पैड्स वगैरह। और हमारे कपड़ा है यहाँ वो यूज कर सकते हैं बार बार, धो के भी यूज कर सकते हैं वो। हाँ धो के भी यूज कर यस मैम, सकते यस हैं। मैम। हाँ, हाँ नहीं डेटॉल डाल के तो, अभी हमारे बचपन में हम, मुझे लगता है हमने कपड़ा ही यूज किया। मैं अपना यस हमने मैम, कॉलेज के बाद, बोले ना बिल्कुल इतना टाइम के बाद ही यूज किया पैड, कपड़े से मुझे पता है ना कितना सॉफ्टनेस, बोले कोई रैश नहीं कुछ नहीं, और धो के हाँ कुछ नहीं होता। और कॉटन दुपट्टा सॉफ्ट रहते हैं ना, पुराने साड़ी कॉटन के उसके कपड़े बनाए तो बहुत अच्छा ही रहता है, ऐसा ये नहीं तो कि मैम हाँ। वो ना अभी जैसे ये हो गया ना कि हम कपड़े मॉडर्न पहन रहे या कुछ ये कर रहे, तो उसके साथ उसको थोड़ा सा मिसमैच लगता है, या आई डोंट नो कि कैसे। वैसे के लिए बराबर है, जो बोलते हैं भी टाइट पैंट पहनते हैं वगैरह, पता नहीं उसकी वजह से उनको ये लगता होगा, पर है ना मैम एटलीस्ट वो है ना गंदगी नहीं फैलाता, ये है, धोके तो यूज होता है वो अच्छे से, बट उसको ना कभी तो फेंकना ही पड़ेगा ना। वो तो फेंकना पड़ेगा, उसमें क्या, वो तो हम जला भी सकते हैं उसको, ये तो है, हाँ जला भी वो जो सकते, खराब हो जला जाएगा एकदम तब फेंकना है मैम, नहीं एनवायरमेंट तो वॉश करके रीयूज हो एनवायरमेंट सकता है मजाक उसे। तो नहीं करेगा ना क्रिएट, इतने जो डंपिंग वम्पिंग के प्रॉब्लम्स है और फिर ये सब इतने सारे प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं करेगा, मतलब मेरे हिसाब से। या हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि धोके वो फट गए तो मैम जला के ये कर सकते हैं डिस्पोज, उसको कुछ ये नहीं। एक ये भी कर सकते हैं मैम, जैसे कि अगर हम यूजेस कम करने, तो जिस दिन ऐसे आपको लगता है कि फ्लो ज्यादा हो तो उस दिन आप पैड यूज करो, बाकी के दिन तो कपड़े ही आप यूज कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू इस जमाने के साथ में हम अपने धरती को और अपने अपने हेल्थ को लेकर के भी चल सकते हैं, ऐसा नहीं है क्या? ऐसा भी तो हो सकता है। यस मैम जब मैम बाहर होते होगे तो करो पहले 1-2 दिन फ्लो, मतलब ना पैड यूज करो, और जब बोले थर्ड हाँ, फोर्थ फ्लोर या जैसे घर से जैसे अच्छा। बच्चों को कराते हैं ना अपन लोग, जब बच्चे घर में रहते हैं तो हम लोग उनको ऐसे बस लंगोटी वगैरह पहनाते हैं, जब बाहर लेके जाते हैं तो डायपर यूज कराते हैं, तो इस तरीके से मुझे लगता है। और फिर बच्चों की बात अलग होती है, हम लोग तो एडजस्ट कर सकते हैं आराम से कपड़ों के साथ में, बच्चे बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे भी कुछ नहीं कर होता पाते। है, ये भी अच्छा ही है। स्पेशली जो हाँ हाउस वाइफ है वो तो यूज ही कर सकती है, कि वो घर में ही है तो आराम से यूज कर सकती है, जो बाहर वर्किंग जा रहे तो उनको थ्रो करने में वो करने में दिक्कत होगी, बाकी तो यूज कर सकते हैं अगर बट घर मैम में तो मॉडर्न आराम जमाने से में रहते मन हो। क्या ना मानेंगे मन नहीं। क्या ना क्या हुआ ना कि जब हम पढ़ते थे ना हॉस्टल में, उस समय हम लोग जब स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हुआ हम लोग के साथ तो पता नहीं था, तो हमारी जो टीचर थी ना वो हमें बताती थी तरीका, जैसे कि एक नाड़ा ले लो उसको कमर में बांध लो, जैसे लंगोटी बांधते हाँ हैं ना बड़े हाँ बड़े हाँ लोग, उस यस टाइप यस से वैसे ही वो चलता। बंधवाते थे कि वो स्टिक रहेगा, और वो वाकई में हम लोग इतना थ्रो बॉल कबड्डी मैं तो प्लेयर रही हूँ, और वो सब पकड़ के मतलब वो सब करके ही हमने किया है। हम सीरियसली बोल रहे हो, ये तो थर्ड वाला कॉन्सेप्ट तो यस अभी हम तो उस समय भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन आजकल स्टे फ्री है वो करके मतलब उस बेचारे का तो एकदम कॉन्सेप्ट। और हम और जिससे बड़ी बात क्या होती है कि ये जो कपड़े पुराने होते हैं हमारे घर में उनको हम फेंक रहे हैं या हम किसी को दान कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, हाँ वो कपड़े ही यूज जाया करते थे, तो एक ये हाँ रिसाइकलिंग भी प्रोसेस था। हो जाती है, सही बोल रहे हो मैम। स्टार्टिंग हाँ में तो मैम, हमारी लेकिन मदर ना से यही आज बताया के जमाने था में लोग उनको। नहीं मानेंगे इसको, अगर आप ऐसे बोलेंगे ना कि कपड़ा यूज करो तो सब लोग हंसने लगेंगे, बट मतलब सच में हम ही जब सोच मैम नहीं डॉक्टर्स रहना, लोग बताएंगे सोचने तो वाली हमारे बातें, ऊपर सोचने समझाना। वाली बात, हाँ बोलेंगे बाहर जा रहे हो तो आप कल को ऐसे कर लो, सरकार, या घर में रह रहे हो हाँ तो ऐसे कल को कर लो। सरकार खुद ही कुछ ऐसा कर देगी तो फिर क्या है? तो फिर आप धीरे धीरे सब पुराने क्या होता है, सब जो जा रहा है वो वापस से आ रहा है, यही यस यस मैम, होता वो तो आप बिल्कुल है। ही क्या है, कर रहे हो। पहले वेस्टर्न कंट्रीज अभी क्या कर रही है, हमारा ले रही है, और हम लोग के लोग बच्चे लोग सब वेस्टर्न का खान पान, लाइफ स्टाइल, जो भी कपड़े पहनने का तरीका,
मैं क्या सब बुरा नहीं बोलती हूँ, बाबा पहनो जीन्स वगैरह, पर है ना पूरा पूरा दिन वही कपड़े में रहोगे। अभी ये पैड का तो ये रहे पर टाइट ये सब वेस्टर्न कल्चर, और हमारा कल्चर वो लोग ले रहे, खान पान बदल रहे हैं ये। तो बाद में तो ये अपने पीढ़ी को समझना चाहिए कि अपना जो है ओरिजिनल वो बेस्ट ही है, वो लेना रखना चाहिए, उसको जतन करना चाहिए। पर जब बोलते ना सब कुछ फेल हो जाएगा फिर वापस आ जाते। अभी हम देखते हैं फैशन, कभी फटी हुई जीन्स इतने पहनते क्या उसमें फैशन, भिखारी हो गए। और मुझे घर में तो भी, घर में भी मैम मुझे ऐसे लगता है कोई लोग ना ऐसे टाइट कपड़े पहनते हैं ना, जो ऐसे लेगिंग्स या जो ऐसे, उसकी जगह मुझे लगता है ऐसा कुछ पहनना चाहिए जो खुला हो, जैसे साड़ी रहती है तो उसमें खुला रहता है, और जैसे शलवार होती है तो वो भी ऐसे टाइट वाली नहीं है, जो थोड़ी सी खुली हो, सलवार जो हम जिसमें लोग जाने को हवा छोटे जाने को, या फिर ट्राउजर कुछ लोअर भी ऐसी टाइप के जो थोड़ी खुली टाइप की हो ना, ऐसा एकदम टाइट वाली देते हैं नहीं ना, पहननी कॉटन चाहिए स्पेशली घर ट्राउजर में। भी है, बराबर कॉटन हाँ, ट्राउजर नहीं तो है। उनको यूटीआई की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फिर ऐसे फाउल स्मेल ये वो सब दिक्कतें आने लगती है। तो घर में भी अगर आप घर में रहते हो तो एकदम लूज वाला ही पहनना चाहिए, मुझे पहनना ऐसा लगता है। चाहिए, हाँ, बराबर है एक्चुअली ना। बाहर का कभी कभार ठीक है, टाइट बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली मुझे लगता है ना कपड़ा। ये लाइक ऐसे होता है ना, जैसे अभी देखिए नया एक 25 साल पहले प्लास्टिक का बॉटल एंड ऑल थिंग मार्केट में आए, तो सभी लोगों के घर में टप्पर वेयर ये वो, तब तो इतना शौक था कि भाई टप्पर वेयर है तो ये लोग बड़े हैं, ऐसा मतलब ये हो गया था प्लास्टिक का। बट आज देखिए 10 साल से कैंसर का इतना प्रमाण बढ़ा है तो सब बोल रहे हैं नहीं, प्लास्टिक बर्तन हटा दो, डब्बे हटा दो, ये हटा दो, स्टील यूज करो और कोई मेटल यूज करो। तो ये मतलब आने ही वाला है, ये भी बातें जरूर होगी आगे के इसमें। मैम मुझे यही पता कि महाराष्ट्र में है कि नहीं, लेकिन हमारे यूपी में आज स्कूलों में आज से ही नहीं, मेरे ख्याल से 10 साल 3-4 साल, मतलब मेरा बेटा ही हो गया क्लास 3 में आ गया, तो 3 साल से तो मैं ही देख रही हूँ कि इनके जब हम एडमिशन कराने गए तो उन्होंने बोल दिया था, प्रॉपर लिख के लिया था कि आप प्लास्टिक के बर्तन में खाना नहीं दोगे, प्लास्टिक के बोतल में पानी नहीं दोगे, आप कोई चीज प्लास्टिक यूज नहीं करोगे। तो 3-4 साल से तो हमारे घर में ही चल रहा है, और मुझे आए हुए नोएडा शिफ्ट स्कूल्स होने में तो बाद हो मैम गए। स्टील कंपलसरी, स्टील के डब्बे कंपलसरी हाँ, काफी है। इवन जो मेरे हस्बैंड के ऑफिस में भी प्लास्टिक नोट नहीं है, उनके यहाँ पे हाँ जो भी चीजें अगर पानी वगैरह तो कप खुद ही वो लोग दे देते हैं, खुद ही वहां पे बर्तन रखे रहते हैं, तो इतनी जागरूकता तो यहाँ पे तो आ गई है। अब आगे की जगह का मुझे नहीं पता। और इवन जो हम ये सब देख करके हम लोग भी अपनी स्टील की बोतलें ही रखते हैं, हमें सभी रखते होंगे, कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो मतलब नहीं रखते होंगे, तो आ गई है जागरूकता मैम, बहुत आ गई है नहीं आ प्लास्टिक को रही है, आ लेकर रही है, के, आ गई है, बिल्कुल आ गई है, बहुत आ गई। बहुत अच्छी धीरे बात। धीरे फिर इसकी भी आ जाएगी, शुरुआत तो हो ही गई है मैम, क्योंकि जब इतने एनजीओ निकल गए हैं, इतने कैंपेन चल रहे हैं पैच को लेकर के, तो वो भी आ यस जाएगा। हाँ यस बिल्कुल। और बताइए। मैं तो बोलती हूँ कि अगर कोई बॉटल्स के साथ एक अगर पॉसिबल हो तो छोटा ग्लास वगैरह इस टाइप के ही रखे साथ में, वो प्लास्टिक बोतल से क्या होता है वो लोग ऊपर से पानी पीते हैं, और वो भी गलत है, हमको मुंह लगाकर ही पानी पीना चाहिए और बैठकर ही पानी पीना चाहिए, वही सही तरीका है। और हाँ सही है कि जितना ज्यादा नेचुरल चीजें और जो नेचुरल तरीके वही हमने यूज करने चाहिए, वही बिल्कुल बिल्कुल। हेल्दी होते हैं। तो क्या यूज करेंगे फिर बताइए, अभी कुछ फाइनल फाइनल ऑप्शन क्या है बता फाइनल लीजिए। श्रद्धा जी बताइए, डॉक्टर श्रद्धा आप ऑप्शन कहाँ से, मैम उत्तरवार नांदेड़ से है क्या डॉक्टर श्रद्धा, बोलिए फाइनल फाइनल जवाब। नीलम जी भारत की राजधानी से आप है तो आप निश्चित रूप से लास्ट ऑप्शन ओपिनियन आपका रहेगा। गुड मैम, गुड इवनिंग इवनिंग, बोलिए बोलिए। मैम। मैं तो यही कहती हूँ मैम कि इट्स जस्ट टू योर कंफर्ट ऑफ कोर्स आफ्टर ऑल मैम, क्योंकि मैम कई बार कपड़ा यूज करना, इट्स नॉट एब्जॉर्बिलिटी होती है कपड़े की मैम, पुराना कपड़ा की एब्जॉर्प्शन भी नहीं होती है। द चाइल्ड इज गोइंग आउट मैम, कल को हमारी बेटी है, तो अगर वो बाहर जा रही है तो हाउ कैन वी रिकमेंड हर क्लोथ मैम, एब्जॉर्प्शन है नहीं है, हाउ कैन वी से दैट। तो वो अकॉर्डिंग टू टाइम मैम है वो मैम, टू थ्री अकॉर्डिंग टू लेयर्स योर अगर आप कंफर्ट कॉटन की बना के देते हैं मैम। ना हम तो ये आप एब्जॉर्प्शन नहीं हो मैम जाता वो है। हम हम लोग लोग कैरी करना बहुत नहीं डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए नहीं मैम। मैम डिफिकल्ट नहीं होता मैम, हम नहीं वहां होता पे है, आए, हमने भी मैं यूज खुद किया उस है स्टेज बहुत से, मैं सब निकली कुछ हूँ स्टेज से मैम, व्हेन आई वाज है इन ना। सेवेंथ और एट जो क्या तो मैम हम उसको सेलिब्रेट ही बांधने का नहीं तरीका करते थे। होता है मैम,
बांधने का तरीका होता है, भी आप तरीका हमने भी बचपन में यूज किया है, स्टार्टिंग में वही यूज किया था, हमने भी यूज किया है मैम, कोई नॉट बॉर्न कोई दिक्कत नहीं है, हमने कपड़ा यूज किया है। और मैम बच्चे के लिए तो वो कपड़ा वॉश करना भी, आज हमने जितना अपने बच्चों को कम्फर्ट दे दिया है, क्या वो वॉश कर लेंगे उस क्लोथ को? ये बड़ी समस्या है, आपने ज्यादा दे कांट मैम, दे कांट वॉश, ये भी बराबर है कि आजकल वो हाउ कैन दे वॉश मैम, वो अपनी पैंटीज भी प्रॉपर वॉश नहीं कर पाते, हाउ कैन यू से कि दे'ल वॉश देयर मेंस्ट्रुएशन क्लोथ्स, वो तो है बराबर, नहीं है मैम, पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है मैम, हमारे और उनके आईक्यू लेवल में ही बहुत फर्क है मैम, हमें बिल्कुल, हम लोगों ने यूज किया है मैम, हमारे मदर ने हमें वॉश करना सिखाया था, वी यूज्ड टू वॉश आवर अंडरगारमेंट्स आवरसेल्फ, आजकल के बच्चे नहीं करते हैं मैम, हाउ कैन यू फोर्स देम के भाई यूज करो, सिर्फ इतना बोल सकते हैं वो करो पैड यूज, पर 2-3 घंटे के बाद वो बदलो, है ना, इतना हाइजीन, बस इतना हो सकता है मैम, उनको अच्छी हैबिट्स दे सकते हैं, ऑर्गेनिक वाला प्रॉपर, हाँ प्रॉपर डिस्पोजिंग का तरीका बता सकते हैं मैम, बट इतना क्लोथ्स के लिए नहीं हम शायद फोर्स कर पाते हैं, वो डिफिकल्ट हो जाता है कि अभी मैम बच्चे के लिए कैरी करना बहुत डिफिकल्ट है मैम, आजकल मिनाक मैम 10-10 साल के बच्चों को मिनाक सेट हो जाता है, कैसे आप उनसे उम्मीद रख सकते हो मैम, पूरा पूरा महीना मैंने देखा है बच्चों को ब्लीड करते हुए मैम, और मैम बच्चों में ट्यूशन्स है, हमारा यस यस बोलिए बोलिए, नहीं बराबर है मैम, ये तो पॉइंट प्रैक्टिकल व्यू है ही, ये तो अभी आज जो जमाने में से बदल रहा है वो तो है, नीलम जी का भी पॉइंट बराबर है कि इतने छोटे बच्चों को आ रहा है, उनको मैनेज करना भी ये होना चाहिए, बिल्कुल, थोड़ा जमाने के साथ भी चलना चाहिए, मुझे लगता है पैड भी यूज करे तो दिक्कत नहीं, ऑर्गेनिक वाले मैम, हाइजीन है ना, जो 2-3 घंटे आप बदलो, पूरा दिन वही मत यूज करो, साफ रखो, ये सब पॉइंट्स किया ना तो फिर नहीं बीमारी होगी और कुछ yes. और मैडम ने जो डाली ना सुचिता जी ने, वो वाइप्स के नाम से भी मिलते हैं, वाइप्स बोलते हैं उसको, और हॉस्पिटल में बड़े हॉस्पिटल में वही यूज कर रहे हैं आजकल तो, मतलब आजकल नहीं बहुत दिनों से यूज कर, 4 डे के लिए पैंटी लाइनर्स भी मिलते हैं एकदम स्मॉल, यस यस लाइनर्स मिलते हैं, यूज करते हैं हम लोग, वो तो बेटर है सर, वो एक पहले हाँ मैम ये सही कह रही है, ये पैड्स के जो पैड्स ना यूज करती है पैंटीज वाले है ना, ये ज्यादा अच्छे ऑप्शन मुझे भी लग रहे, यस मैम यस दे आर जस्ट लाइक डायपर्स, डायपर्स वही है ना कंसेप्ट, भी इजी हो जाता है ना मैम, बाय चांस वगैरह भी नहीं, बाय चांस शी इज इन स्कूल मैम, और वहां पे वो कैसे मैनेज करेगी मैम, आप बताइए, वो तो थोड़ा सा है, यस मैम इट्स जस्ट डेट के पहले की भाई, और मैम एक और भी तो बात है ना मैम कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग यूज करते हैं, दे आर कार्सिनोजेनिक, वी नो दैट, इवन देन वी आर यूजिंग देम, क्योंकि कई बार नहीं मैम, मैंने टेम्पून्स जो आप बता रहे थे वो भी यूज करवाए पेशेंट्स को, बट दे आर नॉट कम्फर्टेबल, टेम्पून्स तो सबसे सबसे वर्स उनका वो आता है, फिर ये मेंसुरल कप्स मैम, बच्चे इसमें बहुत, जो मेरा बेटा स्विमिंग में है तो वहां पे गर्ल्स जो है वो मोस्टली ये मेंसुरल कप यूज करना उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका काम ऐसा है कि नेशनल कंपटीशन है, हाउ कैन शी अवॉइड दैट ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो वो लोग वहां पे मेंसुरल कप यूज करते हैं, वहां पे पैड तो नहीं चाहिए, बस वो उसी दौरान यूज कर पाते हैं मैम, आफ्टर दैट दे आर नॉट एबल टू यूज, कि आंटी ये बहुत अनकंफर्टेबल क्रिएट अनकंफर्टेबल फीलिंग क्रिएट करते हैं, वो आधा घंटा यूज करेंगे एंड दैट्स ऑल, तो मैम है कुछ चीजें हैं मैम, वी कांट फोर्स देम, द बेस्ट इज कि आप पैड की क्वालिटी यूज, गुड क्वालिटी यूज कीजिए बस, और जितना है बाकी हाइजीनिक चीजों का भी ख्याल करना जरूरी है, बाकी डाइट और ऐसा नहीं है मैम कि हमारी मदर्स हैं वो आज तक भी क्लोथ यूज करती हैं, वो दे आर कंफर्टेबल विद इट, दे डोंट लाइक दीज पैड्स एंड ऑल, दे यूज एक्चुअली मैम क्या होता है ना, जो शुरू से जो यूज करता है ना वो है मैम उनके कंफर्ट जोन में है वो मैम, और उनकी लाइफ इतनी हेक्टिक नहीं है मैम, आजकल के बच्चों की लाइफ हमसे भी ज्यादा हेक्टिक है मैम, पूरा दिन ट्यूशन्स है, गेम्स है, पता नहीं मैम क्या क्या, लाइफ हुआ करती थी बड़ा, वो लोग खेतों में खलिहानों में सामान ढोना, ये वो
खैर वो सब तो बात की बात है, लेकिन जो यूज हम कर रहे हैं उसमें हम कंफर्ट हो गए तो उनसे छोड़ना नहीं चाहते, वो है रीजन। और बाकी तो काम कर सकते हो मैम आप, आजकल बच्चों का शेड्यूल पहले वाले बच्चों से ज्यादा टाइट है मैम। आप ऑर्गेनिक पैड्स यूज कर सकते हो बट नॉट द क्लोथ मैम, वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है ना मैम। मैम आपने पैडमैन देखी है मैम आपने? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत बार। मैम से पूछ रही हूँ मैम, मैम कह रहे हैं ना क्लोथ, मैम वो क्लोथ वाली स्टोरी, बंदा की नहीं जी क्या मैम, वो पूरी क्लोथ वाली स्टोरी थी, एक बार प्लीज जरूर देखिएगा। यस यस एंड इट्स रियल, कुछ कुछ रियल टच पे है वो। बिल्कुल, इट्स अ रियल टच, आप जरूर देखिएगा मैम एक बार, अक्षय कुमार की पैडमैन है मैम, इट्स रियली अ गुड मूवी, बहुत अच्छा उन्होंने देखी होगी ना, उन्होंने भी बंदा की नींद। उसके बाद मैं आजकल एनजीओ पे जो निकल रहा है ना वो भी चैंपियन भी देख रही हूँ मैम, तो मैं तो सब कुछ देख रही हूँ और मैं सब कुछ भी यूज भी करती हूँ, मरीजों को भी कराती हूँ। जैसे एक डिस्कशन था कि डिस्कशन ये नहीं था कि क्या यूज करना है, डिस्कशन ये था कि इसके जो हार्मफुल इफेक्ट हैं क्या वाकई में हम उनको फील करना। मैं आपको कह रही हूँ मैम ये कहाँ गारंटेड है कि जो बच्चे हैं दे विल रीयूज इट, दे विल वॉश द क्लोथ प्रॉपरली। ओके, और वो जो वेटनेस जो रहती है मैम उसके कारण भी इचिंग रहती है मैम बच्चों को, क्योंकि मेरे पास तो गांव के बच्चे आते हैं मैम। यस यस, क्लोथ के अंदर एब्जॉर्प्शन पावर बहुत कम होती है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उसके कारण जो वेटनेस रहती है, मान लीजिए आप 6 घंटे आपका बच्चा स्कूल जा रहा है तो ही कांट चेंज देयर, तो ही इज यूज शी इज यूजिंग दैट पैड फॉर 6 to 7 आवर्स। अगर मेंस्ट्रुएशन हैवी है तो सोचिए मैम वेटनेस कितनी रहती है। हाँ ये बराबर है, और मैम वो क्या और उसकी और पैड की एब्जॉर्प्शन समवट इज बेटर देन क्लोथ मैम, इट इज इजीली कैरेबल। आप ये बताइए ना मैम कि आप वो क्लोथ देके उसको कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि वो जाके चेंज कर ले या वो उसको कहीं डिस्पोज कर सकती है गुड क्वालिटी उसमें, तो मैम वो नहीं है पॉसिबल। बहुत सारी है मैम, देखिए प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, जिसके ज्यादा है उसको आप कम कर दीजिए और जिसके कम है उसे यूज करना शुरू कर लीजिए, बस दैट इज इट। बट आई पर्सनली फील के मैम क्लोथ ज्यादा अनहाइजेनिक है। ओके, चलिए फिर आज के लिए आई थिंक बड़ी अच्छी चर्चा हुई है, हम लोगों ने इसमें सीखना है और एक उसका कंक्लूजन, और मुझे लगता है हर एक का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, अपने कंफर्ट जोन में रहकर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए तो फिर आज के लिए रुकते हैं, फिर मंडे मिलते हैं हम लोग एक नए विषय के साथ। ओके मैम।